तो आई नेवर एक्सपेक्टेड कि इस ब्रांड में इतनी सस्ती टी शर्ट्स भी होंगी। तो ये शॉर्ट मुझे पड़ा है सिर्फ 399 रुपीज का। मैंने इस ब्रांड के हमेशा सिर्फ शूज ट्राई करे थे, बट इस ब्रांड की जीन्स भी उतनी ही अच्छी है। हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आई एम अंकित। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कुछ ऐसे चीप एंड बेस्ट ऑनलाइन शॉपिंग ब्रांड्स फॉर मेन इन इंडिया। सारे के सारे ब्रांड्स आपको ऑनलाइन इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे और ये बहुत ही नोन ब्रांड्स हैं, सस्ते हैं बहुत ज्यादा, स्टार्टिंग फ्रॉम ₹399 और कुछ भी 700 या 800 रुपए से ज्यादा का नहीं है। तो लोग बजट फ्रेंडली ब्रांड ढूंढ रहे हैं या फिर कॉलेज गोइंग है, उनके लिए तो ये सबसे बेस्ट होने वाला है। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, लाइक टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो टी शर्ट कैटेगरी में फर्स्ट ब्रांड इज कॉन्वर्स। कॉन्वर्स के एक्चुअली जब मैं कॉलेज टाइम पे था तो मैंने उसके एक्चुअली शूज ट्राई करे थे और मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए थे। उस टाइम पे उनके जो कपड़े होते थे वो इतने ज्यादा ट्रेंडी और इतने ज्यादा कैची नहीं होते थे, तो मैंने वो कभी ट्राई नहीं करे। बट मैं रिसेंटली अभी अमेजोन पे स्क्रॉल कर रहा था और मैंने कॉन्वर्स की कुछ टी शर्ट चेकआउट करी विच आई रियली लाइक। जैसे कि मुझे मरून कलर की कॉन्वर्स टी शर्ट बहुत ज्यादा अच्छी लगी, इसका जो प्रिंट है वो बहुत ज्यादा मुझे पसंद आया। इसमें आपको बहुत सारे कलर्स और टी शर्ट्स में बहुत ह्यूज वैरायटी मिलेगी। और मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करी है ये नियॉन ऑरेंज कलर की ग्राफिक टी शर्ट जिसमें कॉन्वर्स का ही लोगो बना हुआ है और ये मुझे पड़ रही है सिर्फ और सिर्फ 450 रुपीज की, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। मैंने ये कलर एक्चुअली पहले कभी ट्राई नहीं किया था और मुझे ऐसा लगा कि आई शुड गिव इट अ ट्राई, और क्वालिटी वाइज एवरीथिंग इज सुपर्ब, कपड़ा भी बहुत ज्यादा अच्छा है। इन सबको मैं आपको ट्राई करके दिखाऊंगा बाद में, सो वेट फॉर दैट। सो नेक्स्ट टी शर्ट ब्रांड इज जॉकी। आप लोग सोच रहे होंगे कि जॉकी की टी शर्ट्स, जॉकी के तो अंडरवेयर या फिर पजामा ज्यादा बेटर होते हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं है। टी शर्ट्स भी उनकी बहुत ज्यादा अच्छी हैं एंड आई वाज सरप्राइज्ड जब मैं उनका कलेक्शन देख रहा था। तो उनकी ज्यादातर टी शर्ट में ज्यादा ग्राफिक्स नहीं होते हैं, सिंपल एंड बेसिक होती है, विच आई रियली लाइक। जैसे मुझे जॉकी की ब्लू कलर की टी शर्ट बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी, इस टाइप की मैंने एक्चुअली जारा में देखी थी और मुझे वो 900 रुपए की पड़ रही थी, बट यहाँ पे मुझे वो सिर्फ 600 रुपीज की पड़ रही है। एंड आई हैव ऑर्डर्ड दिस टी शर्ट, वाइट में ब्लू कलर से स्ट्राइप है और ये मुझे पड़ी है 329 रुपीज की। दैट्स इट, सो दिस इज हाउ इट लुक्स। मैं एक्चुअली इसकी क्वालिटी से बहुत ज्यादा खुश हूँ, कैजुअली पहनने के लिए, कॉलेज में पहनने के लिए, या फिर आप तो अगर आप सिर्फ सोने के लिए टी शर्ट्स ढूंढ रहे हैं तो ये सबसे बेस्ट है 329 रुपीज में। गाइज, कोई भी अच्छा ब्रांड आप ढूंढने जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा, एंड जॉकी विच इज अनोन ब्रांड, आपको उसमें 100% कॉटन की टी शर्ट मिल रही है। ब्रांड इज जैक एंड जोन्स। जैक एंड जोन्स के एक्चुअली कपड़े जो हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं और मुझे भी एक्चुअली यही लगता था। जब मैं सारी शॉपिंग कर रहा था तो मैंने जैक एंड जोन्स की टी शर्ट भी चेकआउट करी एंड आई वाज सरप्राइज टू सी इनकी टी शर्ट्स के प्राइजेस भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं। और मैंने जो टी शर्ट ऑर्डर करी है वो है ये, जिसमें जैक एंड जोन्स और अर्बन लिखा हुआ है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में, विच आई रियली लाइक। मुझे बहुत ज़्यादा फंकी लगी टी शर्ट और ये मुझे पड़ी है सिर्फ और सिर्फ 376 रुपीज़ की, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जैक एंड जोन्स की टी शर्ट भी 376 रुपीज़ में अवेलेबल होगी। तो नेक्स्ट ब्रांड इज रैथ। रैथ एक्चुअली एक अमेजोन का ही इन हाउस ब्रांड है। मैं एक एक्चुअली अननोन ब्रांड ट्राई करना चाहता था, मैं ये देखना चाहता था कि उनके कपड़े भी क्या उसी क्वालिटी के होते हैं या नहीं होते, एंड आई वाज सरप्राइज्ड क्योंकि दे वर हैविंग अ ह्यूज वैरायटी और प्राइजेस भी बहुत ज्यादा कम थे। जैसे कि मुझे ये टी शर्ट बहुत ज्यादा पसंद आई, इसमें 3 स्ट्राइप्स हैं और बहुत सारे कलर्स में भी अवेलेबल है। तो मैंने यहाँ पे ऑर्डर करी है व्हाइट, रेड एंड ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन में और ये मुझे पड़ी है 349 रुपीज की। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। और इसकी क्वालिटी और जैक एंड जोन्स की क्वालिटी में कोई भी अंतर नहीं है, कपड़ा एकदम सेम है, टी शर्ट की जो फिनिश है वो भी बहुत ज्यादा अच्छी है। आई एम रियली हैप्पी एंड वेरी सरप्राइज टू सी कि लोकल जो ब्रांड्स हैं, अमेजोन के जो इन हाउस ब्रांड्स हैं, वो भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो थे कुछ टी शर्ट ब्रांड्स, अब चलते हैं शर्ट्स कैटेगरी की तरफ। द फर्स्ट ब्रांड इन शर्ट कैटेगरी इज हैमर स्मिथ। इनकी जो शर्ट्स होती हैं वो जनरली लिनन फैब्रिक में होती है, बट इनकी कॉटन की शर्ट्स भी बहुत ज्यादा अच्छी हैं, एंड बेस्ट थिंग इज कि इनका प्राइस बहुत ज्यादा कम होता है। जैसे मुझे ये ब्लू कलर की शर्ट बहुत ज्यादा अच्छी लगी, इसमें छोटे छोटे प्रिंट्स बने हुए हैं और मैंने एक्चुअली इसका ऑर्डर किया है स्काई ग्रीन कलर, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। कपड़ा बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी का, ऐसा लग रहा है कि बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी है। आई एम डैम श्योर कि पहन के बहुत ज्यादा अच्छी लगने वाली है। और यही शर्ट्स अगर आप एलन सॉली या फिर किसी दूसरे ब्रांड में जाएंगे तो आपको आराम से 1500 से 2000 रुपए तक में पड़ती है, बट यही क्वालिटी की शर्ट आपको सिर्फ और सिर्फ 499 रुपीज की पड़ रही है। नेक्स्ट ब्रांड इज ग्रिड स्टोन्स। ये भी एक्चुअली एक लोकल ब्रांड है। इसके जो कपड़े मैंने थोड़े टाइम पहले एक बार और ऑर्डर करे थे और मुझे इसकी शर्ट बहुत ज्यादा पसंद आई थी। हेयर यू कैन सी इनके पास बहुत ह्यूज वैरायटी है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस भी हैं और सबके जो प्राइस है वो 500 के ऊपर नहीं है। और मैंने यहाँ पे ऑर्डर करी है ये मरून टी शर्ट स्टाइल में शर्ट, क्योंकि इसका जो कपड़ा होता है वो टी शर्ट स्टाइल में होता है, बट होती ये शर्ट है, विच आई रियली लाइक। इसको आप कैजुअली पहन सकते हैं, दिस इज हाउ इट लुक्स।
मुझे एक्चुअली चाइनीज कॉलर भी ज्यादा पसंद है, तो मैंने इस बार चाइनीज कॉलर ही लिया है। इसको आप पार्टीज में भी पहन सकते हैं, कॉलेज में, स्पेशल ओकेजन में, कहीं पर भी पहन सकते हैं। और 399 रुपए में इतनी अच्छी क्वालिटी की आपको टी शर्ट स्टाइल शर्ट मिल रही है, और क्या चाहिए आपको। मैं आपको ब्रांड रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये सारे मेरे खुद के रिकमेंडेशन है। और ये सारे के सारे ब्रांड्स आपको अमेजोन में आराम से मिल जाएंगे, मैं सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप चेकआउट जरूर करिए। ऑल्सो गाइस, अमेजोन पे प्राइम डे सेल चल रही है 26 और 27 जुलाई को, तो ये आपको और ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएंगे। तो ये थी शर्ट कैटेगरी, अब चलते हैं बॉटम वेयर की तरफ। जीन्स की कैटेगरी में नंबर वन ब्रांड इज ली कूपर। मैंने एक्चुअली ली कूपर के शूज भी ट्राई करे हुए हैं और उसके कपड़े मुझे इतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करते थे, बट जब मैंने कुछ टाइम पहले ली कूपर के जीन्स चेकआउट करे तो मुझे वो काफी इंटरेस्टिंग लगे। जैसे कि इनकी जो जीन्स हैं उसमें काफी सारे डिजाइन और बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन भी अवेलेबल है। जैसे जो इनकी जो रगेड जीन्स है वो मुझे काफी अट्रैक्टिव लगी। सो आई ऑर्डर्ड दिस ली कूपर की जीन्स, जिसमें थोड़ा सा घुटने के पास ये थोड़ा सा रगेड है, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। थैंक गॉड ये बहुत ज़्यादा रगेड नहीं है, एंड दिस इज हाउ आई लाइक इट। इसमें थोड़ा सा फेडेड भी है थाइस के पास, कपड़ा वपड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेवाइस का जैसे कपड़ा होता है वैसे ही है। एंड जब आप इसका प्राइस सुनेंगे तो आप बहुत ज़्यादा शॉक होने वाले हैं, क्योंकि ये सिर्फ 599 रुपीज़। नेक्स्ट ब्रांड इज कैंपस सूत्रा। कैंपस सूत्रा के कपड़े मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, उनकी जो टी शर्ट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगती हैं, बहुत फंकी और कलरफुल स्टाइल में होती हैं। बट इस बार मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कैंपस सूत्रा के बॉटम वेयर ट्राई करता हूँ। इनके जो कपड़े होते हैं वो काफ़ी कॉलेज स्टाइल थीम पे बेस्ड होते हैं, तो मैंने यहाँ पे एक्चुअली जीन्स ट्राई करी है जिसमें रेड कलर के आइस के किनारे की तरफ स्ट्राइप बनी हुई है, विच आई रियली वॉन्टेड टू ट्राई, क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे ये पड़ी है सिर्फ 706 रुपीज़ की, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। कपड़ा एक्चुअली इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट आई थिंक गर्मियों के लिए ये बेस्ट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है तो आपको इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी। और ये जो रेड स्ट्राइप है ये भी मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। नेक्स्ट ब्रांड इज नियो स्ट्रीक। ये एक्चुअली लोकल ब्रांड है, अमेजोन का इन हाउस ब्रांड है, और मुझे इसकी वाइट जीन्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। मैंने एक बार और वाइट जीन्स ऑर्डर करी थी, बट आई कुडेंट टेक दैट गट कि मैं वाइट जीन्स पहन पाऊँ। बट मैंने इस बार सोचा कि अंकित यू शुड डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई, तो मैंने इस बार फिर से वाइट जीन्स ऑर्डर करी है। अगर मुझे नहीं अच्छी लगी तो मैं इसको कट करवा के इसको शॉर्ट्स तो बना ही लूंगा, और शॉर्ट्स तो आई थिंक सबके साथ चली जाता है। और ये जीन्स मुझे पड़ी है 619 रुपीज़ की। क्वालिटी वाइज एवरीथिंग इज सुपर। कैंपस सूत्रा की जीन्स का जैसा कपड़ा है वैसे ही कपड़ा इसका भी है। नेक्स्ट ब्रांड इज सिंबल। इसके एक्चुअली मैंने शॉर्ट्स ऑर्डर करे हैं। सिंबल की मैंने टी शर्ट्स पहले ऑर्डर करी हुई हैं और मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस बार शॉर्ट्स चेकआउट करता हूँ, क्योंकि मानसून टाइम में शॉर्ट्स ही पहनते हैं जनरली। और मेरे पास ब्लैक कलर का बिल्कुल नहीं था, तो मैंने ये ब्लैक कलर का कॉटन शॉर्ट ऑर्डर करा है। कपड़ा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, छू के ही ऐसा लग रहा है कि जैसे मज़ा आ जाएगा पहन के। ये मुझे पड़ा है 499 रुपीज़ का, दैट्स इट। तो मेक श्योर आप ये जरूर चेकआउट करें। नेक्स्ट वन इज लाउंज शॉर्ट्स। दिस वन इज फ्रॉम ब्रांड कजीब, आई थिंक द लोकल ब्रांड। मैं एक्चुअली इतना ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है, जो क्वालिटी वाइज और प्राइस वाइज मुझे सही लगता है मैं वो ले लेता हूँ। तो ये ब्रांड जब मैंने देखा और जब मैंने इसकी शॉर्ट्स देखी तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे और सस्ते भी दिख रहे थे। तो ये शॉर्ट मुझे पड़ा है 399 रुपीज़ का। मेरे पास इस कलर का एक्चुअली कुछ भी नहीं था। इसके अगर आप दूसरे शॉर्ट्स भी देखेंगे तो आपको बहुत ह्यूज वैरायटी मिलेगी कलर्स में। 399 रुपीज़ में आई थिंक सोने के लिए या फिर अगर आप कहीं बाहर भी जा रहे हैं इसको आप कैजुअली स्टाइल कर सकते हैं, इट वोंट लुक बैड। चीप एंड बेस्ट फैशन ब्रांड्स फॉर मेन, जो कि मुझे ऐसा लगा कि आपके साथ जरूर शेयर करना चाहिए। इनमें से कुछ नोन ब्रांड्स भी थे और कुछ अननोन ब्रांड्स भी थे, बट उनके कपड़े मंगा करके मुझे एक चीज तो रियलाइज हो गई है कि नोन ब्रांड्स के कपड़ों की क्वालिटी भी सेम होती है और अननोन ब्रांड्स के कपड़ों की क्वालिटी भी सेम होती है। बट क्योंकि उन ब्रांड्स को हम इतना ज्यादा जानते नहीं है तो हम उनको देखते नहीं है, हमें ऐसा लगता है कि वो कपड़े अच्छे नहीं बनाते होंगे, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ये सारे ब्रांड्स आप चेकआउट कर सकते हैं, सबके लिंक्स वहां पर डाल दूंगा। आप आगे क्या देखना चाहते हैं लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, हियर इज माई हैंडल। वहां पे मैं अमेजिंग फैशन एंड लाइफस्टाइल रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, पोस्ट डालता हूँ, रील्स बनाता हूँ। सो मेक श्योर आप मुझे वहां भी फॉलो कर लीजिए, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन